अखिलेश यादव 2024 से पहले अलग अलग रणनीति बनाकर सपा को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ हर मोर्चे पर अखिलेश यादव को झटका देने में देर नहीं कर रहे। अखिलेश यादव ने राज्यसभा उम्मीदवारों के जरिए 2024 की तैयारी की थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने भी उस पर भी पानी फेर दिया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे सपा और बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे और इन नतीजों को देखने के बाद जहां बीजेपी उत्साहित है और 2024 में और भी ज्यादा सीट हासिल करने का दावा कर रही है, वहीं अखिलेश यादव को उम्मीद है कि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और सुभाषपा पूर्वांचल में सपा का साथ देगी। और इसके लिए खुद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया और आज जयंत चौधरी ने नामांकन करके 2024 में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पे मैं राज्यसभा के सदस्य विनती करना चाहता हूं। जो यहां के मुद्दे हैं, जो यहां के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे हैं, पुरजोर तरीके से उनको उठाने का प्रयास। देखिए शिक्षा का बजट दूसरे राज्यों की तुलना में हमने कम दिया है आवंटन। कृषि को सिर्फ 2.8% टोटल एक्सपेंडिचर का, सिर्फ 2.8% का हक उत्तर प्रदेश के किसानों का बनता है। तो ये चीजें हैं, दिखावा तो बहुत बड़ा होगा और एक आंकड़ों के मकर जाल में, एक प्रचार के मकर जाल में लोगों को बताया जाएगा कि बेहतरीन बजट है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो बुनियाद है, जो प्रदेश की जड़ें हैं, शिक्षा, किसान, ग्रामीण विकास, तीनों ही विषयों पर हम पिछड़ रहे हैं। जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने के पीछे अखिलेश यादव को उम्मीद है कि 2024 में आरएलडी सपा के साथ मैदान में उतरेगी, जिससे जाट और मुस्लिम समीकरण के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। लेकिन अब बीजेपी ने भी अखिलेश यादव की रणनीति को देखकर अपना अगला कदम उठा दिया है। बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नाम और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया है, जिससे अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ सकती है। वो कितना ही तैयारी कर ले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है और अच्छा है कि वो तैयारी करके आए, मैदान में आए, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ, अंत भला सो भला जो मैंने कहा था, अंत तो गत्वा जीत योगी की होगी, अंत तो जीत मोदी की होगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा बीजेपी ने 5 और नामों का ऐलान किया है, लेकिन अखिलेश यादव जयंत चौधरी के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी की वजह से अखिलेश यादव के प्लान पर पानी फिर सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो नेता हैं जिनके बल पर 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अखिलेश यादव का ये प्लान कितना सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।